ट्रॉफी आज आपको मिलता है टिफिन। चेरी को एक टिफिन मिला है जिसमें चेरी कल से खाना मम्मी के साथ बनवा के लेके जाएंगे और हमको भी बुला के खिलाएंगे। चेरी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। ऐसे ही एक टिफिन श्रेष्ठ को मिला है, ठीक, तालियां बजाइए। और लो बेटा आप भी टिफिन लो। ये अभी ये ड्राइंग कंपटीशन का है भाई, आप भी लो। मम्मी खाना ना खाया तो मान लो। चलिए ये ड्राइंग कंपटीशन वाला दोनों तुम लोग फर्स्ट ग्रुप में थे ना, ये किस ग्रुप में थे? ये छोटे वाले ग्रुप में थे ना, ठीक। अपनी अपना स्थान ग्रहण करने बैठा लो आप लोग। अब आप अपने अपने ग्रहण पे जाइए। चलिए बड़े ग्रुप में जो बच्चे थे वो आ जाए मेरे पास फटाफट। बड़े ग्रुप में जो बच्चे थे आज कंपटीशन के वो कहाँ हैं? बाकी जो बचे हुए बच्चे थे केवल खत्म लाहौल बिला हुआ। चलिए ये आज कंपटीशन हमारा आज खत्म हुआ। बेटे वहां चलो, वहां चलो, अब जरा हमको और आगे काम करने दो। अब चुपचाप और ये जो क्या नाम है इनका, कृष्णा प्रजापति, बेटा ये शेर है क्या? ये कृष्णा कौन है? सामने आओ। आप लोगों को मैं शेर दिखाता हूँ, अभी देखा नहीं होगा। बब्बर शेर, हैव यू एवर सीन सच टाइप ऑफ लाइन? हैव यू एवर सीन? एक मिनट देखो, देखिए आप लोग उसका मजाक ना बनाए। मैं ये कह रहा हूँ शेर का भी दुबला भी लेकिन असली बात है कि बच्चों ने एक अनजान टाइप का प्रोग्राम में, ठीक, ये कोई लोगों को टॉपिक पहले से नहीं बताया गया था, ऑल ऑफ सडन ये टॉपिक सर्च हुआ, उस पे बच्चों ने कुछ भी बना डाला। अब शेर तो ये भी है एक, और दूसरा शेर अमन ने बनाया है। दूसरे शेर को देख लीजिए, उसमें कुछ चैपरा के गुण आ गए हैं। अमन ने भी एक शेर बनाया जिसमें चैपरा के गुण आ गए हैं। इसकी ब्रीड पता करनी पड़ेगी। अच्छा थर्ड प्राइज जो तीसरा है सुबी, देखिए सुबी ने टॉपिक से हट के दुर्गा जी का पोस्टर बनाया। कोई शक नहीं है कि दुर्गा जी का पोस्टर उसने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन चूंकि वो टॉपिक से हट गई, हमारा टॉपिक था शेर पे सवार माँ दुर्गा, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा सुबी का पोस्टर। सुबी ने वास्तव में बनाया था दुर्गा जी को, लेकिन शेर उस दिन छुट्टी पर था, उसने वास्तव में बढ़िया पोस्टर बनाया है। बेशक इसको अगर ड्राइंग करके कलर कर दिया जाए तो अच्छा बनेगा, लेकिन मजबूरी है कि ना तो इनके पास इतना टाइम था और ना दूसरी बात ये टॉपिक था, इसलिए सुबी हमारी थर्ड प्राइज दिला। सुबी आप अपना पेपर ले लीजिए, घर लेते जाइएगा अपने अपने पेपर्स को। यू आर अलाउड टू कैरी योर पेपर विद यू, ओके। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रजापति जी आइए इधर आइए, किसी इधर आइए यार, आप लोग मुझे बोलने नहीं देंगे कि आप ही लोग बोल रहे हैं। किसी हर्बल लाइफ वाले से मिलिए, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ यार, बातों में लग जाते हो। कितने ज्ञान की बात बता रहा हूँ, जो तो दुबले लोग हैं उनके काम की भी बात बता रहा हूँ। देखिए आप बेटा किसी हर्बल लाइफ वाले से कहिए अपने शेर को ज्वाइन कराइए और हर्बल लाइफ की दवाएं दिलवाइए ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए। सुबी बेटा सुबी के लिए तालियां बजा दीजिए, इस बात के लिए नहीं
की सुविधे जो पोस्टर बनाया उसमें शेर नहीं है, लेकिन इस बात के लिए कि पोस्टर बढ़िया है। थर्ड प्राइज विनर है हमारी सुवि, तालियां। सेकंड प्राइज जीतकर आपको भी अपने शेर को कम्प्लान पिलाना पड़ेगा, लीजिए आप भी कम्प्लान पिलाइए अपने अमन जी, अपने शेर को कम्प्लान पिलाइए। ताली तो बजा दो यार, जीत का निकाल दे, जा कहाँ रहे? अरे मम्मी बुला रही ना, तो रुके रहो, देखो ये खड़े बच्चा उन लोग छोटे छोटे तुम्हारा पोस्टर, इसको कंप्लान पिलाइए और कंफर्म करिए कि किस ब्रीड का है, जैपरा ब्रीड है या शेर ब्रीड। लो भैया प्रजापति जी आप भी तालियां बजा दीजिए जरा, गिरते हैं से सवारी मैदान में। दोबारा भी मैं आपको फिर कहूंगा, ये होगा हमारे आर्ट कंपटीशन के प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब आप बताएं, हमारे पास ड्राइंग कंपटीशन के बचे हुए बच्चे जो भी हैं ऊपर आ जाएं। ड्राइंग कंपटीशन के हमारे जो विनर हैं कृष्णा प्रजापति, अमन सुभि, तीनों लोग ऊपर आ जाएं। उसके अलावा जो बच्चे उस ग्रुप में थे वो इधर आ जाएं मेरे पास। आप दोनों लोग बैठ जाए नीचे, यहीं बैठ जाएं। श्रेष्ठ का दे दो, ये चार बच्चे ही थे शायद उसमें पार्टिसिपेंट, एक आर्तिका भी थी, चेरी 8 साल से ऊपर के नहीं थी भाई, तुम्हारे साथ थी। एक है चेरी बेटा तुम्हारा देखे, ठीक आ गया, पकड़ लो अपने 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 आप। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सार्थक जीत और पीयूष, तो इनको प्राइज में इन्हीं के मम्मी पापा से दिलाना चाहूंगा, इनके मम्मी या पापा। चलो भैया ये लोग इन लोग 8 साल से, ये लोग हमको 9 साल से बड़े लगते हैं, समझ में नहीं आ रहा ये कई सालों से इतने बड़े बड़े हैं। चलिए थर्ड पे क्या है, पीयूष, पीयूष पीयूष के लिए तालियां बजाइए। जीत 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 कहाँ भैया तू, और यह है सार्थक, तालियां बजा दीजिए तीनों बच्चों के लिए। कोई बात नहीं, गिरते हैं ऐसे सवारी मैदान जंग में, हारना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ हार ये बताती है कि प्रयास सही ढंग से नहीं किया गया। जो लोग हार गए हैं वो परेशान ना हो, हार ये बताती है कि प्रयास सही ढंग से नहीं किया गया, समझे। तो कुसुम बहन जी कुछ कहना चाहती हैं? अब हमारे दो बच्चे बचे हैं जो उस कंपटीशन में और थे, बोलिए वहीं से बोल दीजिए, कोई बात नहीं, चलने उतरने कहीं। मैं प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाहूंगी कि इसका उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे रहा नहीं। ईशा करे आप निरंतर तरक्की करते रहे, ये तो आपको छोटा था। कुसुम बहन जी के लिए तालियां बजाइए, उन्होंने बच्चों को किसने अच्छे ढंग से बताया कि प्रयास जारी रखें, भविष्य में आप तरक्की कर सकते हैं। और अब हम आते हैं दूसरे बी ग्रुप की तरफ, अभी रुको तुम जाओ नहीं, तुमको तो अंदर बंद करेंगे।